नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम दो स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। सबसे हॉट स्टॉक दोस्तों, अगर पीएलआई स्कीम का किसी को फायदा हो रहा है तो सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला मतलब स्टॉक दोस्तों क्या है, डिक्सन टेक्नोलॉजी। डिक्सन की बात करें तो आज भी 3.5% से 4% के आसपास स्टॉक में तेजी देखने को मिली। बहुत सारे दोस्तों अभी तक इस कंपनी को बाइंग नहीं किए, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा क्या करना चाहिए। हालांकि दोस्तों वहीं पे अगर मैं अंबर इंटरप्राइजेज की बात करूं तो देखिए दोस्तों, इसको भी आप चाहे तो रडार पे रख सकते हैं कि इस कंपनी को पीएलआई स्कीम का फायदा मिलेगा आने वाले समय में। हालांकि दोस्तों जेफरीज की बात करें तो इन्होंने लगभग 3700 रुपये इस कंपनी का टारगेट प्राइस रख दिया है, जिससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। डिक्सन टेक्नोलॉजी के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, आज की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन 3.5% के ऊपर स्टॉक में तेजी देखने मिली। आप कह सकते हैं 4.25% के आसपास। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्टॉक जो है कि 5100 रुपये इस कंपनी का जो कि क्लोजिंग देखने को मिलता है। उसके बाद स्टॉक में मतलब कि देखा जाए तो गैप उसी के आसपास कंपनी ओपन होती है, फिर जो है गैप डाउन जाती है, फिर उसके बाद एक तेजी देखने को, फिर जो है कि स्टॉक में एक फिर से तेजी देखने वाले और आखिरी क्षण तक तेजी देखने वाले। हालांकि दोस्तों इसके पीछे सबसे ज़्यादा इस स्टॉक में तेजी क्यों है उससे रिलेटेड भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन हाँ, सबसे पहले आप अगर 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो 5 दिन में कंपनी 8.5% का रिटर्न बना के दे दिया। इससे रिलेटेड दोस्तों हमने रिसेंट में वीडियो भी बनाया था कि आई बटन पर लिंक आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, कल के दिन ही हमने डिस्कस किया था। वही पर ये कंपनी एक मिड कैप टाइप की कंपनी दोस्तों और रिटेल सेगमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोस्तों रिटेल सेगमेंट को बिलोंग करती है। तो ऐसे में देखा तो 114-114 के पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। वहीं पे दोस्तों इस स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि पहले मतलब कल के दिन ही दोस्तों डीएम की बात करें तो उन्होंने दोस्तों इस कंपनी का जो टारगेट प्राइस है लगभग 6000 रुपये रखा था दोस्तों, जिसके कारण स्टॉक में एक तेजी देखने को मिल। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो अब जो कि 3 दिनों का जो कि रॉ एंड पॉजिटिव ब्रोकरेज रेटिंग देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों 2.0 में जो पीएलआई स्कीम आ रहा है दोस्तों, उसमें सबसे ज़्यादा इस कंपनी को मतलब कंट्रीब्यूट करते हुए दिखे, कंपनी को जो है कि फायदा होते हुए दिखेगा। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों तो फ्रेश 52 वीक हाई आज के दिन कंपनी ने लगाया, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं 5257 रुपये, जो कि 10% अभी तक देखा है। तो स्टॉक ने रिटर्न बना के दीजिए अपने जो कि लो लेवल से। वहीं पर अगर मैं कंपनी की बात करूं तो इसमें जो है कि लगभग 10 लाख टोटल शेयर जो कि ऑन हैंड आप कह सकते हैं जो कि चेंज हुए हैं अगेन 27 सितंबर में, जो कि 4 लाख पहले कुछ इतना ही शेयर ट्रेड होते थे। वहीं पर अगर मैं ब्रोकरेज रेटिंग की बात करूं तो दोस्तों, तो आप यहाँ पे देखेंगे ब्रोकरेज इस कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा अपने को पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। 2.0 जो अभी जो कि पीएलआई स्कीम आएगा दोस्तों, उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी कंपनी को फ़ायदा होगा तो इसी कंपनी को मतलब फ़ायदा होते हुए दिख रहा है। हालांकि दोस्तों बहुत सारे ब्रोकर्स मतलब किसी भी अगर कंपनी के ऊपर उनका ध्यान जाता है तो पीएलआई स्कीम के तहत तो डिक्सन टेक्नोलॉजी के ऊपर जाता है। वहीं पे आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे डीएम कैपिटल की बात करें तो इन्होंने बाइंग की रेटिंग दे दी और 6000 रुपये टारगेट भी रख दिया। वहीं पे अगर मैं अदर ब्रोकर्स की बात करूँ दोस्तों, तो जेफरीज, हालांकि दोस्तों जेफरीज से रिलेटेड मैं आगे भी डिस्कस करूँगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जेफरीज ने दोस्तों इस कंपनी में मतलब जो कि देखा जाए तो डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें 5000 रुपये जो कि टारगेट प्राइस रखा है, 5050 रुपये। और वहीं पर अंबर इंटरप्राइज की बात करें तो मतलब देखिए होल्ड और बाइंग के लिए बोला है। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे विद 5 पीएलआई अप्रूवल जो कि डिक्सन टेक्नोलॉजी जो कि इंजॉय करेगा दोस्तों वेट सेट में जो कि प्रोडक्ट स्लेट एमोंग इंडिया से इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चर मोबाइल एलईडी टीवी तमाम जो कि 80% ऑफ द कंपनी सेल्स मिक्स सोमी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर कुड स्टार्ट फ्रॉम अक्टूबर 2023 में जो कि हो सकता है दोस्तों। मतलब देखिए अभी सारा जो कि मतलब अभी रिसेंट में हमने न्यूज़ देखा दोस्तों कि जो कि इनका नोएडा की बात करें तो वहाँ पे जो कि मतलब कुछ लैंड से रिलेटेड जो कि बातें हो रही थी। वी एस्टिमेशन डिक्सन टेक्नोलॉजी जो कि मोबाइल सेल ऑन ग्रोथ लगभग 27% CAGR के साथ जो कि ग्रो हो सकता है। हालांकि दोस्तों इनके मैनेजमेंट ने पहले ही बता दिया है कि 2027 तक लगभग इनका जो रेवेन्यू है दोस्तों 20,000 करोड़ जाता हुआ दिख सकता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि लीड बाई की कस्टमर जो कंपनी के देखने को मिलते हैं सैमसंग, मेट्रोला, नोकिया, मतलब आईटेल, जियो, आपको तमाम देखने को मिल जाएंगे फॉरेन ब्रोकरेज का ऐसा मानना है। हालांकि दोस्तों वहीं पे अगर मैं अंबर इंटरप्राइजेज की बात करूँ तो देखिए इसमें भी उन्होंने मतलब कुछ अपनी कमेंट्री की। हाउ एवर जो कि देखा जेफरीज इज मोर अपबीटेड ऑन द अदर डोमेस्टिक कंज्यूमर ड्यूरेबल मेकर दोस्तों, अंबर इंटरप्राइज इसमें भी रिकमेंडेशन दी है, बाइंग के टारगेट दिए दोस्तों जो कि 3740 रुपये। हालांकि दोस्तों ये भी कंपनी लगभग आप कह सकते हैं कि इसी के आसपास जा करके फिर अभी देखा जाए तो मतलब गिरावट हुई थी, फिर उसके बाद 3000 अभी चल रहा है। बेटर देन डिक्सन टेक्नोलॉजी टर्म ऑफ ऑपरेटिंग जो कि प्रॉफिट मार्जिन 7% उसी पे देखा जाए जो कि वर्सेस 4% से मतलब कि जो एक बेटर देखा जा रहा है। वहीं पे अगर मैं ब्रोकर्स की बात करूं तो इनके जो फॉरकास्ट है दोस्तों इंक्रीज इन द डिक्सन टेक्नोलॉजी प्राइस में लगभग 50 गुना देखने को मिल सकते हैं। फाइनेंशियल 25 की बात हो रही है, मतलब
देखा दोस्तों, तो आने वाले समय में इसमें भी टाइम लग सकता है ऐसा जो कि माना जा रहा है। वहीं पर अगर अंबर की बात करें तो इसमें 28 गुना देखने को मिल सकते हैं। मतलब दोस्तों देखिए, फेलाई स्कीम का आपको पता है कि ऐसा नहीं कि डिक्सन टेक्नोलॉजी, अंबर इंटरप्राइज, इन्हीं को फायदा होगा, बहुत सारी छोटी कंपनियां रहेगी दोस्तों वो भी आगे आता हुआ दिख सकती हैं। हालांकि दोस्तों यही पे डिक्सन टेक्नोलॉजी और इन सब के बारे में अगर आप जानेंगे दोस्तों, मतलब कि डिक्सन टेक्नोलॉजी जो प्रोडक्ट बनाता है, हालांकि देखा जाए तो अंबर इंटरप्राइजेज भी थोड़ा सा क्या है कि पेलाई स्कीम में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हुए दिख सकता है। हालांकि डिक्सन टेक्नोलॉजी में बाइंग करना है नहीं करना दोस्तों, उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन हाँ, अभी की अगर मैं बात करूं तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अंबर इंटरप्राइजेज में दोस्तों आज की 2% के आसपास तेजी देखने को, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं दोस्तों दोनों कंपनियाँ जो है कि सेम चली है। लेकिन हाँ, ऐसे में अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो अंबर इंटरप्राइजेज में 2% की तेजी देखने को, 5 दिन के अगर चार्ट को देखेंगे तो 2.5%, वहीं पर अगर मैं 1 महीने की बात करूँ तो 5.25% की तेजी देखने को मिलेगी। यहाँ पे दोस्तों इस कंपनी में भी अगर देखेंगे तो 3149 रुपये का कंपनी का हाई है। एक्चुअल में आप कह सकते हैं कि 3704,000 के आसपास ये भी कंपनी गई थी। जैसा कि अगर आप देखेंगे दोस्तों, अंबर इंटरप्राइज राइज 2% एज मैनेजमेंट और बीटेड ऑन मार्जिन, जो कि ग्रोथ बताया दोस्तों। मतलब कि अंबर इंटरप्राइजेज को भी आप हल्के में ना ले दोस्तों। जेफरीज इस कंपनी में भी काफ़ी बुलिश देखे दोस्तों, 2% स्टॉक में तेजी देखने को मिली। अगर मैं मार्जिन की बात करूँ तो मैनेजमेंट ने जो कि मार्जिन में ग्रोथ बताया, जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जो सिंह है दोस्तों, इनका जो मानना एक्सपेक्टेड 1,000 करोड़ का रेवेन्यू जाता हुआ दिख सकता है अगले नेक्स्ट ईयर में। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं 27 सितंबर को जो कि स्टॉक में 2% की तेजी देखने को मिली। जैसा कि प्राइस लो हाई यहाँ पे देखेंगे, मार्जिन सस्टेनेबल जो कि देखने को मिलेगा, रेंज आप 4.5 से 4.5% के आसपास देखने को मिल सकता है, जो कि फाइनेंशियल 25 की बात हो रही है। वेरिएबल एंड हेरेबल स्केप कैन ग्रो डबल डिजिट में देखने को मिलेगा। जसप्रीत सिंह जो कि सीईओ है दोस्तों कंपनी के अंबर इंटरप्राइजेज के, इन्होंने सीएनबीसी आवाज़ पे जो कि कही है। यहाँ पे अगर द कंपनी की बात करें तो रिसेंटली इंटर इन जॉइंट वेंचर कंपनी जो कि नेक्सॉन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड विच जो कि ऑपरेट नॉइज ब्रांड सिंह, एक्सपेक्टेड 1,000 करोड़ का जो कि रेवेन्यू नेक्स्ट फिजिकल ईयर में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे भी देखेंगे दोस्तों तो कंपनी हैज रिसेंटली मतलब जो कि एक्सपेंड कर रही 1,000 करोड़ जो कि एक्सपांस करेगी। इट्स अ प्लांट, न्यू प्लांट लगाएगी कंपनी करेंटली रनिंग। 30 से 35% मतलब कैपेसिटी अपने को देखने को मिल सकती, जो कि यहाँ पे जो कंपनी का एक्सपेक्टेशन है दोस्तों, मतलब हो सकता है कि 60 से 65% का देखने को मिल सकता है, मतलब बढ़ सकता है ऐसा माना जा रहा है। वहीं पर अगर मैं 2 से 3 सालों की बात करूँ तो इनकी आरओई की बात करें जो कि 19 से 20% देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं जो फाइनेंशियल ईयर आएंगे दोस्तों, मतलब Q1 की बात करें, एक्सपेक्टेड मोबिलिटी सेगमेंट में 20 से 30% आप मान सकते हैं। यहाँ पे देखा जो कंपनी के पास ऑर्डर बुक देखने को मिलते हैं, लगभग अभी आप कह सकते हैं कि रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड, मतलब ये कंपनी का जो रूम एसी में दोस्तों मार्केट देखने को मिलता है, लगभग 840 करोड़ आप कह सकते हैं कंपनी के पास ऑर्डर देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर दोस्तों सिंह की अगर मैं बात करूँ, डिस्प्लेड कॉन्फिडेंस जो कि फाइनेंशियल 24 में जो कि बॉटम लाइन की अगर मैं बात करूँ ग्रोथ में, हो सकता है कि 25 से 30% का जो कि फाइनेंशियल 24 में इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन से रिलेटेड, मतलब कि इनके पास कुछ बेटर देन 25 से 30% का जो कि मतलब गाइडेंस ये बता रहे हैं दोस्तों। हालांकि मार्केट है, मतलब क्या है, जिनके इनके बताए अकॉर्डिंग दोस्तों, हो सकता है कि मार्केट में मतलब कि स्टॉक एक कंसोलिडेट कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि इन्होंने कह दिया पॉजिटिव कंपनी के लिए तो कंपनी भाग जाएगी, हो सकता है कंसोलिडेशन कर सकता है, मतलब जो गिरावट होनी थी वो गिरावट नहीं हो सकती। हालांकि दोस्तों अभी आने वाला समय ही बताएगा कंपनी, मतलब कि जिस हिसाब से बता रहे हैं तो उस हिसाब से कुछ मतलब प्रेजेंट होता भी है कि या न्यूज़ देखेंगे दोस्तों, डिक्सन टेक्नोलॉजी वर्सेस अंबर इंटरप्राइजेस से देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जेफरीज जो कि प्रेफर कर रहे हैं, एंड वाई ऐसा क्यों कर रहे हैं दोस्तों, उससे रिलेटेड आप यहाँ पे देख सकते हैं। अंबर इंटरप्राइजेस की बात करें जो कि मतलब वहाँ पे हमने देख लिया दोस्तों कि 3700 का जो कि बाइंग की टारगेट दे रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अंबर इंटरप्राइजेस इंडिया से प्रेफर्ड पिक ओवर डिक्सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड जेफरीज डिस्पॉइंट बहुत सो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ऐसा उनका मानना है। द ब्रोकर्स हैज बाई रेटिंग जो कि 3700 रुपये पे दे रहे हैं। वहीं पे डिक्सन की बात करें तो इसको होल्ड करने की बात बोल रहे हैं, जो कि मेंटेन रखा है। वैल्यूएशन की बात करें, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जैसा हमने वहाँ पे देखा कि हालांकि डिक्सन जो है कि इनके बताए गए अकॉर्डिंग से ऊपर चल रहा है, तो हो सकता है दोस्तों मतलब कि उसमें गिरावट भी देखने को मिल सकती है, या तो आप कह सकते हैं तेजी भी देखने को मिल सकती है। वहीं पर दोस्तों अगर मैं दोनों कंपनियों की बात करूँ तो यहाँ पर इल्ड स्ट्रॉन्ग जो कि अर्निंग शेयर देखने को मिल जाए, CGR की बात करें लगभग 40 से 45% का 2023 से 2026 तक देखने को मिल सकता है। हालांकि दोस्तों ये ब्रोकर्स हैं, बहुत ही लंबा टारगेट दे रहे हैं, तो इसके लिए भी थोड़ा सा आपको तैयार। बिजनेस मॉडल की बात करूं दोस्तों, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि अंबर इंटरप्राइजेस विल इल्ड हायर मार्जिन्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि लीड बाय फास्टर ग्रोइंग इन कंपोनेंट कैपेक्स जो कि कमीशनिंग देखा जाए, क्लाइंट एडिशनल एंड PLI अपसाइड अकॉर्डिंग टू जेफरीज देखा जाए दोस्तों। मतलब वहीं पे अगर मैं ब्रोकर्स एक्सपेक्टेड टू स्ट्रॉन्ग सेल फॉर डिक्सन टेक्नोलॉजी जो कि फ्रॉम इट्स अ वीडर प्रोडक्ट स्लेट एडेड बाय द प्रोडक्शंस लिंक इक्विपमेंट की बात करें, PLI स्कीम की बात करें, रैंप अप न्यू कस्टमर जो कि
देखिए दोस्तों, हमने रिसेंट में ही वीडियो बनाया था कि मतलब कि कंपनी चाइना की कंपनी हो चाहे अमेरिका की कंपनी, बहुत सारी कंपनियां जब इंडिया में आएगी दोस्तों, तो जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं रैंप अप न्यू कस्टमर जो कि ऐड होते हुए दिख सकते हैं, ऐसा जो कि जेफरीज का माना जा रहा है। वहीं पर जो इनके मानने दोस्तों मतलब कि बी एस्टिमेशन डिक्सन टेक्नोलॉजी सेल्स ग्रोथ लगभग 27% के हिसाब से मतलब कि फाइनेंशियल 23 में और 26 में देखने को मिल सकता है। हालांकि दोस्तों वहीं पर सारा कुछ अभी तक हमने बात कर ही लिया। यहाँ पे अगर जेफरीज के अकॉर्डिंग अंबर इंटरप्राइजेस में देखेंगे दोस्तों, जो कि सेकुलर इंडस्ट्रीज प्रोस्पेक्ट जो कि देखा जाए तो ये सारा आपको देखने को मिल जाएगा। जेफरीज के अकॉर्डिंग डिक्सन में देखेंगे दोस्तों तो आपको देखने को मिल जाएगा। अभी इस स्टॉक में अपने करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहिए, देखिए जो भी न्यूज़ था हमने कवर कर लिया। वहीं पर अगर मैं एक साल की बात करूँ तो एक साल ने 35% का रिटर्न बना के दिया है अंबर इंटरप्राइजेज ने। हालांकि दोस्तों अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो यहाँ पर लगभग 70% के आसपास आप कह सकते हैं कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है 12 मई 2023 से लेकर सितंबर तक का। तो हालांकि दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं, देखिए जितना भी ब्रोकरेज के अकॉर्डिंग देखा जाए दोस्तों तो कंपनी के रिजल्ट कंपनी ख़राब नहीं दोस्तों। रूम एसी में देखा है तो लगभग 40% मार्केट शेयर इसी कंपनी के पास है। तो अभी इस समय कुछ कंपनी कैपेक्स कर रही है, कुछ एक्सपांड कर रही है, बहुत सारी कंपनियों के साथ हो सकता है जॉइंट वेंचर कर रही है, जेबी कर रही है दोस्तों। तो हो सकता है कि आने वाले समय में इस कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होते हुए दिख सकता है। हालांकि दोस्तों जो मेरा मानना है ये कंपनी जल्द से जल्द हो सकता है 3500 के आसपास जा सकती है। वहीं पर अगर मैं गिरावट की बात करूँ दोस्तों, गिरावट होती है तो ये कंपनी मेरे पॉइंट से 2700 के आसपास आ सकती है। हाँ, ऐसे में जीरो टेस्टर इस कंपनी को बाइंग करना चाहते दोस्तों, मेरे पॉइंट से देखिए अगर आप 5 साल के चार्ट को देखेंगे 228% का कंपनी रिटर्न बना के दिया है। वहीं पर अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे दोस्तों तो 148% का देखने को मिलेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे तो लगभग कंपनी ने 3700 के आसपास गई दोस्तों, तो हो सकता है कि एक नया हाई लगाएगी, मतलब पुराने रिटेस्टर को कुछ राहत की बात हो सकती है। डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात करें तो जो रिटेस्टर इस कंपनी को बाइंग करेगा, देखिए दोस्तों लॉन्ग टाइम के बारे में ही आपको सोचना है, क्योंकि दोस्तों देखिए बहुत सारी कंपनियां मतलब ये हो गया डिक्सन टेक्नोलॉजी दोस्तों, इससे बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां बड़ी बड़ी कंपनियां इंटरलिंक रहेगी दोस्तों। तो मतलब क्या है कि अगर आपके पास पेशेंस है, पेशेंस नहीं होने का मतलब क्या दोस्तों, इसके जो ग्रोथ रेट है लगभग देखा है तो सिंगल डिजिट में देखने को मिल रहा है। मतलब कहने का अर्थ क्या दोस्तों कि अगर एक कंपनी के साथ इस कंपनी का टाई अप या कोई मतलब कि नेगेटिव न्यूज आते हैं तो इस कंपनी के ऊपर एक अच्छी खासी मतलब गिरावट देखने को मिल सकती है, प्रेशर क्रिएट होता हुआ दिख सकता है। तो इसके लिए भी थोड़ा सा आपको तैयार रहना है। जैसा कि अगर आप इस कंपनी के मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 900% के आसपास कंपनी रिटर्न बना के दिया, और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो आपको बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। हालांकि दोस्तों जिनको अगर फास्ट रिटर्न चाहिए तो चाहे तो इस कंपनी को प्रेफर कर सकते हैं। हाँ, कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। अगर स्टॉक में तेजी बनी रहती है दोस्तों तो मेरे पॉइंट से ये कंपनी 5500 के आसपास जा सकती है। वहीं पर अगर मैं गिरावट की बात करूँ तो ये कंपनी हो सकता है 4500 के आसपास आ सकती है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।